नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर पंजाब से है, जहां पंजाब सरकार नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम चन्नी ने इस बात के संकेत दिए हैं। आपको बता दें, पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने संकेत दिए हैं कि अब राज्य में सरकारी और प्राइवेट नौकरी सिर्फ पंजाब के लोगों को ही मिलेगी। चन्नी ने कहा है कि यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है और हम चाहते हैं कि नौकरी का फायदा सिर्फ पंजाब के लोगों को मिले। आपको बता दें, अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में चरणजीत सिंह चन्नी ने नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए आरक्षण लाने की बात कही है। उन्होंने कहा, जब भी हम नौकरी के लिए विज्ञापन देते हैं तो हरियाणा से 25% एप्लीकेशन आते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश से 15% फॉर्म अप्लाई होते हैं, दिल्ली से भी फॉर्म अप्लाई होते हैं, पंजाब के लोगों के लिए जगह नहीं बचती। चन्नी का कहना है कि वे इस बारे में कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। सीएम ने कहा, हमारी सरकार नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर कानून ला सकती है। हम इस बारे में अपने वकीलों से सलाह कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बनाया ऐसा कानून। आपको बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार की ओर से अगले 2 महीनों में करीब 1,00,000 नौकरियां निकाली जा सकती हैं। पंजाब कांग्रेस भी दूसरे राज्यों में लागू हुए इस तरह के आरक्षण के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के लोगों के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया गया है। हरियाणा सरकार का यह कानून ₹30,000 तक की सभी नौकरियों पर लागू होगा। हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक में भी प्राइवेट नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए आरक्षण को लेकर कानून लागू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।